हाँ नेक्स्ट। सो किनका रह गया? हाँ आपका रह गया ना गौरव, और किसका रह? मिहिर तुम्हारा हो गया भाई। सो पहले उन तीनों को सॉल्व करो, किनका रह गया? छोटा सा डाउट था, हाँ बोलो। वो मार्जिनल एमजीएफ से जैसे ई एक्स वाई निकालते हैं तो वो तो डिफरेंशिएट करके पार्शियल डेरिवेटिव डेरिवेटिव करके करते हैं, कोई और भी मेथड है क्या? मार्जिनल से मार्जिनल एमजीएफ से ई एक्स वाई निकालते हैं ना हाँ उसका मूवमेंट, तो डिफरेंशिएट पार्शियल डेरिवेटिव से मार्जिनल पीएमएफ से, रुको रुको रुको, एमजीएफ। मेरे पास मार्जिनल किसका है? मार्जिनल किसका है? अच्छा मार्जिनल हाँ एमजीएफ है, एमएक्सटी है मेरे पास। हाँ मार्जिनल मतलब दो है, सॉरी दो ज्वाइंट एमजीएफ है। अच्छा, तो ज्वाइंट एमजीएफ है, एक्स वाई टी वन टी टू। हाँ तो ज्वाइंट है ये। ई एक्स वाई जो उसका मोमेंट होता है ना, ई की पर एक्स की पर आर और वाई की पर आर, हाँ ये हाँ वाला। ई एक्स वाई, तो ये करना पड़ेगा। और क्या तरीका हो सकता है? और या तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन पहचान लो, फिर हो सकता है। अगर मान लो इंडिपेंडेंट हो गया तो अलग अलग कर सकते हो यहाँ भी। अगर यहाँ इंडिपेंडेंट रहा मान लो तो ई एक्स ई वाई हो जाएगा, इंडिपेंडेंट नहीं है तो वही तरीका, अभी तो यही तरीका है। बाकी क्वेश्चन देख के कई बार आइडिया आता है, तो क्वेश्चन जब भेजोगे तो ये थ्योरी, जनरल थ्योरी यही है। अब क्वेश्चन जब भेजोगे तो हो सकता है कुछ नया आइडिया आए, तो क्वेश्चन देखने के बाद समझ आएगा। नॉर्मली थ्योरी यही है, ठीक है? क्योंकि हो हो सकता है कुछ और क्वेश्चन में पूछा हो या किसी और अप्रोच जानना चाह रहा हो, तो वो क्वेश्चन पे कई बार डिपेंड करता है चीज़ें, क्या पूछा जा गया जा रहा है। सर, सही आ रहा है, आ टेन गया बाय ना? ट्वेंटी बना रहा हाँ वो पहली बार हमने वो मिस कर दिया था केसेस ना, हमने मतलब ध्यान नहीं दिया, हमें लगा टू के बाद जा ही नहीं सकता 0-1, तो इसलिए वो हो गया है। था। ठीक है, ठीक है। हाँ किनका रह गया जी? तो सर मेरा एक डाउट था।